राजधानी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सेवा ही समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निगम पार्षद आरती त्रिपाठी सिंह के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली बीजेपी प्रदेश की सह प्रभारी अलका गुर्जर पहुंची। साथ ही ओबीसी मोर्चा के कोषाध्यक्ष गजेंद्र यादव पहुंचे और यहां पर इस कैंप की शुरुआत की गई, जहां पर सैकड़ों लोगों ने अपने घरों के रिसेप्शन को कराने की प्रक्रिया को समझा। आपको बता दें कि दिल्ली के भीतर 1,000 से ज्यादा कॉलोनियों को पक्का किया गया है, जिसको लेकर अब रजिस्ट्री शुरू कर दी जा करी जा रही है, उसी के लिए है कैंप को लगाया गया है। गढ़वाल कॉलोनी के भीतर है और गढ़वाल कॉलोनी जो है वो अनऑथराइज कॉलोनी है। सभी गढ़वाल कॉलोनी के लोगों को ये सुविधा मिले कि अधिकारी उनके द्वार पर आए, ऐसा एक कार्यक्रम वो निगम पार्षद आरती जी के द्वारा मैरोली के भीतर शुरू किया गया है। ये गढ़वाल कॉलोनी से पहले कैंप की शुरुआत है। आगे जो कैंप हैं वो श्री राम कॉलोनी, किशनगढ़ गांव और चर्च कॉलोनी, तीनों जगह पर इस प्रकार के कैंप आयोजित होंगे। अगर आसपास के जैसे लाड़ोसराय में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, यदि वो ये सुविधा अपने वार्ड के लोगों को नहीं देती है, तो वहाँ पर भी मैं स्वयं या निगम पार्षद आरती जी लाड़ोसराय गांव में भी कैंप लगाएंगे। तो ये कैंप इस प्रकार का है कि डीडी और पीएम उदय के लोग वो अधिकारी सबके घरों पर पहुंचे और स्पेशली इस वार्ड में, वार्ड नंबर 2 में गढ़वाल कॉलोनी है, श्री राम कॉलोनी है, एक गोशिया कॉलोनी है जो अनऑथराइज एरिया है, जो इस योजना के अंतर्गत पास हो गई है और लोगों को जागरूकता की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीकरण नहीं कराया है। अभी जैसे कि अपने वक्तव्य में हमारे जो डीडीए के अधिकारी हैं, उनका भी यही कहना है कि जो गढ़वाल कॉलोनी के लोग हैं उनका सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस वजह से हमने इस क्षेत्र में ये पंजीकरण कैंप आज लगाया है कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन, जिससे कि लोगों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े, अपने घर बैठ के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 चरणों में जो है ये प्रक्रिया पूरी होती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जिसे अभी पंजीकरण के, और उसके बाद अगला चरण होगा अपना आवेदन फाइल करना, एप्लीकेशन फाइल करना, जिसमें कि तमाम जितने भी दस्तावेज हैं उसको वो हमारे लिए और उसके बाद फिर हमारे डीडीए के पास वो आवेदन आ जाता है, उसके हम सरकार काम कर रही है और उदय योजना जहाँ जो भी वहाँ उनको कहने का कब्जा एक अलग बात होती है, लेकिन मूलभूत